वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और आई एम श्योर आपने इफ्तार कर लिया होगा अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से, इसके साथ साथ आपने मगरिब की जो नमाज है वो भी अदा कर ली होगी। और प्रोग्राम में नातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, डिस्कशन भी जारी रहेगी। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर वकार अहमद न्याज भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे उनके फाउंडेशन के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि रहमान रमजान की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है ये आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तआवुन किया है फ्रूटिस, जो कि एक फ्रूट ड्रिंक है, रॉयल ऑर्चर्ड ने, जो कि हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ अजवा प्योर एंड हेल्दी वाटर ने, और उसके साथ साथ जिमको बाइक्स ने। जिमको बाइक्स की जो न्यू ऑडिशन है वो आप देख सकते हैं उनकी बाइक्स में, और ये बड़ी अफोर्डेबल प्राइस है। एक बहुत ही अच्छी बाइक जिसको देख के लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगी, लेकिन इट्स वेरी अफोर्डेबल फॉर यू। और इसके साथ ही मजीद आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को, और आगे क्या करने वाले जी। बहुत शुक्रिया हिना, माशाल्लाह से हम लोगों ने भी इफ्तारी कर ली और हमारे नाज़रीन ने भी इफ्तारी कर ली है, और यकीनन नमाज मगरबी अदा कर ली गई होगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 14वें रोजे की तरफ बढ़ना है, 14वीं सहरी की तरफ जाना है। तो ये घड़ियां बड़ी ही जो है ना वो रूहानियत वाली घड़ियां हैं, तो इसमें जिक्र सरकार से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोग्राम को बकायदा आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा हमारे और बड़े ही खूबसूरत सना खान हाफिज दिलफराज कादरी साहब तशरीफ लाए। आपसे गुजारिश है कि सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करें हाफिज दिलफराज कादरी साहब। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, मेहमान हो गया। जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, पढ़ने लगा दरूद मैं, जब से हजूर पर पढ़ने लगा दरूद मैं, पढ़ने लगा दरूद मैं, जब से हजूर पर हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, ऐसे पढ़ा कुरान को, ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, एहसान मंद आपका कुरान हो गया। रिस्क देते हैं के माल देते हैं, हसरत दिल नकाल देते हैं, मैं भला किसी कैर से क्यों मांगूं, मुझे जहरा के लाल देते हैं, एहसान मंद आपका कुरान हो गया। सैन ने कि एहसान मंद आपका कुरान हो गया, बहुत खूबसूरत हाफिज दिलफराज कादरी भाई। और चूंकि हमारे पास ही ना डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जी हाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि रहमान फाउंडेशन को चला रहे हैं। हम सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि रहमान फाउंडेशन किस तरह काम करती है और किन किन लोगों की को हेल्प आउट करती है। और डॉक्टर साहब मैं अगर हिना की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो क्या इसमें कोई रूहानियत का आंसर भी शामिल है? अच्छा माशाल्लाह, और आके वो इंचार्ज लगे हुए हॉस्पिटल के, लेकिन 35 साल की उम्र थी, बड़े खूबसूरत डॉक्टर, खूबसूरत और अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा हुआ था। सही। और जिस रंग के वो कपड़े पहनते थे उस रंग की वो गाड़ी निकालते थे। अच्छा अच्छा, इतनी गाड़ियां थी, इतना पैसे वाले थे।
बस अल्लाह ने जब उनको चुना अपने बंदों की खिदमत के लिए, नजर करम हुई, फिर उन्होंने 36 साल वादी के किनारे खिदमत की लोगों की, अल्लाह अकबर, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, अपना वहाँ बनाया। सही। अच्छा थोड़ा सा, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन होती है, थोड़ा सा माइक में आके मसला आ रहा है। हम पहले बढ़ेंगे आरिफ तैयबी साहब की तरफ, अपने जो दुरूद शरीफ की फजीलत थी उसके बारे में बात करेंगे, और दोबारा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे बहुत माजरत के साथ। जी बहुत शुक्रिया हिना, आज हमारा टॉपिक है दुरूद पाक के बारे में। यहाँ पर मेरा जी चाह रहा है मैं एक शेर पेश करूँ, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाए ना, क्योंकि मुझ पर थोड़ी थोड़ी पाबंदी लगती जा रही है शेर पे, मगर मैं चाहूंगा अपनी जगह पेश करें। जी अजब फैज है आका तेरी मोहब्बत का, अजब फैज है आका तेरी मोहब्बत का, कि दुरूद तुझ पे पढूं और खुद समझ जाऊं। थोड़ा सा इसको भी आप शामिल कर लीजिएगा। देखिए जो दुरूद सरकार पे पढ़ता है मिनाज साहब, वो दरकीकत अपना मुकद्दर चमका रहा है। बेशक, इसीलिए मैंने पढ़ा कि मैं सुनना चाह रहा था। और अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है और जितने देखने वाले हैं, हमारा मकसद ये टॉपिक रखने का ये है कि जो लोग हम रोज पढ़ते हैं, कोई एक बार पढ़ता है, कोई 10 बार पढ़ता है, लेकिन जिस तरह हमारा इस्लाफ हमें तालीम कर गया है, हमारे औलिया अल्लाह ने हमें दर्स दिया है, जिस तरह अहदीस नबवी में हमें दर्स मिला है कि दूद पाक पढ़ना किस तरह चाहिए, तो इंशाल्लाह लामा साहब से हम पूछते हैं। लामा साहब क्या कहेंगे, आखिरी लम्हात हैं क्योंकि वक्त हो चुका है हमारे, आखिरी लम्हात की तरफ जा रहे हैं, कि किस तरह दूद पाक पढ़ने की कसरत तो बयान हो गई, फवायद क्या होते हैं, पढ़ने वाले को समरात क्या मिलते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्या फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, मैं बात को समेटते हुए इख्तिताम की तरफ जानब लेके जा रहा हूँ। सबसे बड़ी अहम जो बात है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है वो कसरत के साथ उसका जिक्र, वाह कसरत के साथ उसका जिक्र करता है। और नबी अलैहिस्सलाम के बाद एक से आप भी आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजब सा, कयामत कब आएगी? सही। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के लिए क्या तैयारी करके रखी है, क्या तैयारी करके रखी है? तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में से आप ही कहने लगे या रसूलल्लाह, और तो कोई लंबा चौड़ा मेरे पास कोई सरमाया नहीं है, लेकिन इतना जरूर है मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। माशाल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हशर भी उसी के साथ। तो एक फायदा तो ये हुआ दुरूद पाक की कसरत का कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हशर के अंदर वो संगत और मईत और सोहबत वो नसीब होगी। और एक फायदा जो अहम है, यूं तो बेशुमार फायदे हैं लेकिन एक फायदे पर मैं इख्तिसार करूंगा, वो ये है कि जब इंसान कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह बंदे की जुबान में तासीर डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम इस वक्त शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी का अगर मैं जिक्र ना करूं तो बड़ी खयानत की बात होगी। अल्लामा इकबाल का वो शेर की मोहम्मद से वफात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, अगर सारी सारी कायनात की सारी कायनात के समंदर स्याही स्याही बना दी जाए और सारी कायनात के दरख्तों को कलम बना दिया जाए तो इकबाल के शेर की तफसीर बयान नहीं हो सकती, क्योंकि सारा जहान इसमें समेट दिया। किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा, इकबाल तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ये कमाल कैसे पैदा किया? तो अल्लामा इकबाल कहने लगे, ये कमाल मेरे अंदर पता है किस वजह से आया, क्योंकि मैंने 1 करोड़ मर्तबा अपने महबूब पे दुरूद पाक पढ़ा। और इस मकाम पर, इस मकाम पर मैं अगर मराकश की सरजमीन के अजीम सूफी का जिक्र खैर करूं तो यकीनन ये मेरे लिए बायस सआदत होगा। अल्लाह के नेक वली कामिल आरिफ कामिल, असर की नमाज का वक्त है, कुएं के दरमियान चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, पानी के लिए कोई शय मौजूद नहीं है, डोल नहीं है कि पानी निकाल सके। सही। अचानक एक बच्ची दौड़ती दौड़ती आती है, पानी के अंदर थूकती है और चली जाती है, पानी उबलता हुआ ऊपर जगह छोड़ के ऊपर आ जाता है, वो अल्लाह का वली नमाज वुजू करता है और नमाज अदा करता है, उसके बाद जाता है दहलीज पे दस्तक देता है, कहता है बेटी मुझे बता कि ये कमाल तुझे कैसे मिला? तो उस बेटी ने कहा कि ये कमाल मुझे मुस्तफा जान रहमत पे लाकुर सलाम पढ़ते हुए मिला है। तो वो कहने लगे, अल्लाह के वली जिनको शेख सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला के नाम से जाना जाता है, कहने लगे बेटी वो दुरूद पाक मुझे बता सकती हो? कर नहीं नहीं बता नहीं सकती, वो मेरा रसूल के साथ राज है। अब वो गए और उन्होंने दुरूद पाक का मजमुआ इकट्ठा करना शुरू किया, 300 दुरूद पाक के उन्होंने मुख्तलिफ दुरूद पाक इकट्ठे किए और ला के बेटी को चेक करवाए। जब चेक करवाए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो मुसवदा, कहा कि इसके अंदर वो दुरूद नहीं है। दूसरी मरतबा लाए, तीसरी मरतबा लाए, बेटी ने फिर दुरूद का वो नुस्खा पढ़ा, कहने लगी हाँ शेख अब तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए हो। और वो आज वो दलायलुल खैरात की सूरत में
आज भी वो दुरूद पाक का मजमुआ मार्केट में मौजूद है कि वो जो बच्ची ने दुरूद पाक पढ़ा, जिस पर साइन किया और जिसको पास किया, आज भी उम्मत के पास वो तोहफा मौजूद है। अल्लामा साहब तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, यही कहूंगा दुरूद पाक के हवाले से, वक्त क्यों कम है, कि दुरूद पढ़ने वाला सरकार की बारगाह मकबूल हो जाता है, चाहता है आका की बारगाह में उसकी उस पर नजर हो जाए। दुरूद पढ़ने से फायदा क्या होता है कि आपका और आपके वालिद का नाम हुजूर की बारगाह में लिया जाता है, तो चाहता है कि रोज उसके वालिद की भी हाजिरी बारगाह मोहम्मद में लगे और उसकी भी, तो कसरत दुरूद कीजिए। हमारा मकसद ये प्रोग्राम पेश करने का मकसद ये है, रफीक जिया साहब तशरीफ फरमा है, ये जो दुरूद पेश करते हैं, ये हर वक्त जो दुरूद पे जुबान रतबुल लिसान रहती है, किसी ने क्या खूब कहा कि मेरे हाथों और मेरे होठों से खुशबू जाती नहीं, कि मैंने नाम मोहम्मद को लिखा बहुत और चुमा बहुत, मैं इत्तफाक करूंगा और चलते मिनास साहब की जानिब। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा बढ़ेंगे, थोड़ा सा माइक का इशू आ गया था। डॉक्टर साहब अपनी बात को प्लीज कंटिन्यू करें कि एक डॉक्टर थे जो बाहर से आए पाकिस्तान। मैं जिक्र कर रहा था कि ये सब तलक अल्लाह वालों का तलक है, अल्लाह तआला के अलम से जब तलक जुड़ जाता है तो फिर गैब से मदद भी आती है। ऐसी कल मैं समझता हूँ ऐसे दरवेश बंदे से मुलाकात हुई जिसने बहुत सारा अता भी किया, कुछ पढ़ने के लिए बताया और खास तौर पे दुरूद पाक पे ही कहा कि आप पढ़ा करो। मैंने भी बड़ी कसरत से पढ़ता रहा और अल्लाह का शुक्र है उस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने अपना नाम हमें दे दिया। रहमान के नाम से हमने अदारा बनाया, उसके नाम से ही हमने ये पाकिस्तान के अंदर फ्री डायलिसिस सेंटर बनाए हुए हैं। जी अच्छा, अगर बात की जाए खर्चे की, तो आपका जो इदारा है वो किस तरह चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो पैसों की जरूरत होती है उसके लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, और किसी भी चीज को चलाने के लिए चाहे वो आप फी सबीलिल्लाह चलाएं या किसी भी तरह से चलाएं, तो किस तरह सपोर्ट करते हैं आप अपने इदारे? देखिए मुहैया हजरात हैं, ये रमजान के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं बड़ा ख्याल करते हैं इस अदारे का, और सफेद और खासतौर पर मेरे पेशेंट जो मुझसे इलाज करवा रहे हैं जी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, तो वो भी हमारा साथ देते हैं। कोई 25 लाख रुपए का खर्चा हर माह अदारे का, हर माह, तो अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला ये 25 लाख दे ही रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए, बहुत से लोग होंगे जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन की मदद से आपको देख रहे होंगे, और ऑब्वियसली रमजान का महीना है, हर कोई मदद करना चाहता है, अगर कोई हमारा व्यूअर मदद करना चाह रहा है तो वो किस तरह डोनेट कर सकता है आपकी फाउंडेशन को? रहमान फाउंडेशन का तकरीबन सभी बैंकों के अंदर अकाउंट खुला हुआ है, खासतौर पर HBL के अंदर हमारा अकाउंट है, मेन अकाउंट जो बड़ा HBL के अंदर, हबीब बैंक के अंदर, तो किसी भी शाखा के अंदर जाके रहमान फाउंडेशन के अकाउंट में अगर कुछ जमा करवाना चाहे, ये ज़कात है, कोई भी सदका डोनेशन तो दी जा सकती है, और ये मैं जरूर कहूंगा खालिसतन ये अल्लाह के बंदों के लिए अदारा है, और ये खालिसतन अल्लाह के बंदों पे ही इस्तेमाल होता है पैसा। जी बिल्कुल, इना प्रोग्राम का चूंकि वक्त अपने स्थान की तरफ है, तो क्यों ना इजाजत ले लें अपने नाज़रीन से, काम की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम को जो टाइम है तकरीबन खत्म हुआ जा रहा है, और हमारे प्रोग्राम की एक रीत ही चली आ रही है कि पहले हम आपसे इजाजत लेते हैं और फिर बढ़ते हैं कलाम की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि रहमान रमजान की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है ये आप तक पहुंचाने के लिए स्पॉन्सर किया है फ्रूटर्स ने, रॉयल ऑर्चर्ड ने, अजवा प्योर एंड हेल्दी वाटर ने, और जिमको बाइक्स ने। यहाँ पे हम आपसे लेंगे इजाजत और बढ़ेंगे कलाम की तरफ। इस अपने पन के साथ इजाजत दीजिएगा, अल्लाह आपका हामी नासिर हो और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आपका फीडबैक हमें जरूर चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। और आप किसको दावत देंगे नादिर? हाँ, आखिर में इसी इजाजत के साथ ही हम आखिर में जो जिस हस्ती को हमने आज यहाँ पर स्पेशली इनवाइट किया, मेरी मुराद अलहाज रफीक जिया कादरी साहब और आबिद अली आबिद भाई, ये दोनों मिलके आखिरी हाजिरी पेश करेंगे इंशाल्लाह, साइया नजर करम भी तक सोने हैं, और आज इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। हमें दे इजाजत और आप बढ़े इस कलाम की तरफ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। कर सोनिया की साया नजर करम दे, कर सोनिया वे सुन अर्ज मेरी, सुन अर्ज मेरी साया नजर करम दे, कर सोनिया वे साया नजर करम दे। दर दर तके खादे साया मेरी बात न सुनता कोई, सारी दुनिया छड़ के साया मैं तेरे होए
साया नजर करम दी हर सोने आवे साया नजर करम दी मैं ततड़ी दिया सुन ले सुन ले हामा ये तर छटे के किस तर जामा ये तर छटे के हाँ किस तर जामा ये तर छटे के किस तर जामा मेरी काली चोली पर सोनिया में मेरी काली चोली पर सोनिया में सानिया नजर करम दी पर सोनिया में सानिया नजर करम मेरा मान तरहन तुसीयो मेरा मान तरहन तुसीयो मेरा मान तरहन तुसीयो ज्यादी तुसीयो जादी छिंदते जान तुसीयो ताड़े हुंदियां कादा डर सोनिया में ताड़े हुंदियां कादा डर सोनिया जे अरत मेरे सुन गरत मेरे साया नजर साया नजर करम दी कर सोनिया वे साया नजर करम अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा अगर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा साया नजर करम दी कर सोनिया अज साया नजर करम दी कर सोनिया वे सुन गरत मेरे सुन गरत मेरे साया नजर साया मेरे साया साया साया